Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं सब? I hope कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे. तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक फिर से क्विक एंड ईजी रेसिपी, जो कॉमन रेसिपी है, सभी बनाते होंगे. लेकिन इसकी फीलिंग मैं किस तरह से बनाती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ. बहुत ईजी है, बहुत क्विक है, कोई भी इसको बना सकता है. तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप ले ऑयल, मैंने कुछ ज़्यादा ही ली थी, आप थोड़ा कम यूज़ करें. उसके बाद मैं ऐड करूँगी ज़ीरा. इसको हल्का सा भूनने के बाद अब वेजीज ऐड कर दूँगी. अगर आपके पास कैबेज है तो ज़रूर ऐड कर दें, लेकिन शुरू में भुनने के बाद फिर बाकी वेजीज ऐड कर दें. लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी. और याद रहे फ्लेम लो हो, क्योंकि इनको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इनको क्रंची भी रहना है. तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी. जो कॉमन स्पाइसेस हैं वो मुझे ऐड करनी है. यहाँ पर मैंने क्रश चिलीज ली है, हल्की सी हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला हल्का सा, और चाट मसाला, नमक, ये सब मैंने ऐड कर दिए, और काली मिर्च का पाउडर. इन सब को ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मुझे मिक्स करना है. आप चाहे तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन को शुरू में पकाना होता है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़. चेडर मेरे पास नहीं थी, अगर है तो ज़रूर ऐड कर दें, अगर ना है, अगर ऐड नहीं करना तो ये चीज़ वाला पार्ट स्किप कर दें, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने ऐड कर दिया. इनको पकाने के बाद इनको मैं एक प्लेट में निकाल कर रख दूँगी, और ये हमारी फिलिंग रेडी है. अब मैं इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगी. जो चीज़ लवर्स हैं मेरी तरह, वो ज़रूर ऐड कर दें, वरना ऐसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका. इनको हल्का सा मिक्स करूँगी, ताकि हर बाइट में मुझे चाहिए चीज़, तो ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बाकी ऐड करने के टाइम खुद ही ऐड हो जाएंगे. तो चले अब शीट्स निकाल लेते हैं रोल पट्टी के. तो बहुत केयरफुली इनको निकालना पड़ता है, कुछ मुझसे भी पट गई थी, लेकिन अगर ज़्यादा पड़ जाए तो वो नहीं यूज़ होती, लेकिन अगर हल्की फुल्की पड़ जाए तो उसका जुगाड़ भी है. मैं तो करती हूँ, अगर कोई बार बार मतलब बना चुका है, यूज़ टू हो चुका है इन सब चीज़ों के साथ, तो वो कुकिंग में जुगाड़ करता रहता है. मैं तो करती हूँ, और कौन कौन करता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अभी तक किसी ने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें. तो देखो यहाँ पर इतनी इजीली एक स्प्रिंग रोल बना दिया. चलो एक और बना कर आप लोगों को दिखाती हूँ. मुझे हद से ज़्यादा ओवरलोड फीलिंग नहीं पसंद, इसीलिए आप देख रहे हैं मैं सिर्फ 2 स्पून ही ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो बाइट में अच्छा लगता है, मज़ा आता है. ज़्यादा हद से ज़्यादा फीलिंग हो तो मुझे नहीं पसंद. वो हर किसी की अपनी चॉइस है, आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कम ऐड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है. देखो कितना ईजीली स्मूथली बन गया. चलो इसको फ्राई करते हैं. अफसोस यहाँ पर लाइट नहीं है, मैं टॉर्च की मदद से मैंने लाइट यहाँ पर कर दी है. आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई मुझे नहीं पसंद, तो मैं इस तरह से करती हूँ.
लाइट की वजह से इसका कलर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको अच्छा सा मैंने गोल्डन कलर कर दिया था। बाहर के समोसे और रोल से बेहतर है आप घर में बनाएं। बाहर से अगर आप एक समोसा अगर एक रोल भी खाओगे तो इतना हैवी फील करोगे, लेकिन वही चीज़ अगर आप प्लेट भर कर घर में बनाओगे तो आप काते रहोगे और आपका दिल नहीं भरेगा और ना ही आपका पेट भरेगा, इतना आप हल्का फुल्का फील करोगे। घर की और बाहर की चीज़ों में यही फ़र्क है। और कुछ फीलिंग्स रह गई थी मेरी, रोल पट्टी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने कुछ समोसे बनाए। इसकी भी मतलब बहुत इजी है इसको बनाना। देखो यहाँ मैं एक काट कर आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फीलिंग किस तरह से है। मैंने ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत क्विक, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर किसी को इफ्तार पार्टी करना है तो क्या ही बात है, जल्दी बन जाती है। ऐसी रेसिपीज़ जो जल्दी भी बन जाए और ज़्यादा तकन भी ना हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, एक बेहतर और यूनिक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।